नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा प्लस वन की फिजिक्स के साथ आप सभी के साथ फिर से जुड़ा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक अपना वर्नियर कैलिपर्स था। आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्क्रू गेज, जिसे अपने हिंदी में पेंच मापी बोलते हैं, पेंच मापी या पेंच मापी जो भी आप बोलो। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज या पेंच मापी। तो अपने स्क्रू गेज और पेंच मापी की बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा था, एक तो अपनी बात कर रहे थे जो अपनी सामान्य स्केल होता है उसकी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है। फिर अपने वर्नियर की बात कर ली थी, तो ये तो अपना सामान्य स्केल था और ये अपना वर्नियर था, ठीक है। और अपने जब बात करेंगे स्क्रू गेज की, तो इसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होगा। ये किसका अल्पतमांक होगा? ये स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। यानी सामान्य के बाद जब वर्नियर की बात करते हो तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसके बाद में जब स्क्रू गेज की बात करते हो इसके बाद में यहाँ पर 20 आ जाएंगे, ठीक है। देखो बात ये है कि जब सामान्य स्केल की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये आपके पास में सामान्य स्केल था, ठीक है, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिखा हुआ था, ये इनका मध्य पॉइंट था, और इसे अपनी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 पार्ट में अपने इसे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो अगर कोई रीडिंग अपने इनके बीच में आ जाती है, जैसे 1.2 और 3 के बीच में कोई रीडिंग आती है, 1.2 और 3 के बीच में कोई रीडिंग आती है, तो जो सामान्य स्केल है उससे आप या तो 1.2 बता पाओगे या 1.3 बता पाओगे। पर अगर 2 और 3 के बीच में, इस 2 और 3 के बीच में कोई संख्या आती है तो उसे अपने नहीं बता पाते। फिर अपने क्या काम में लिया था? अपने वर्नियर काम में लिया था, और वर्नियर अपने क्या कर रहा था? इसका बीच के जो मान था उन्हें बता रहा था। इस प्रकार से ये जो मान है ये अपने किससे मिल रहे थे? ये अपने वर्नियर से मिल रहे थे, ठीक है। तो अपने जब पहुंच जाते हैं 1.2 से 1.3 तक, तो ये लगातार चलते जाएंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, और लास्ट में कितना पॉइंट बन जाएगा? यहाँ 30 बन जाएगा। तो ये तो बात अपने को कौन बता रहे हैं? वर्नियर बता रहा है। बात की जाए स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज जो है वो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे और आगे बांट देता है। यानी ये जो इसके बीच का जो पार्ट है 1.2 और 3 के बीच में, 1.2 और 1.3 की जब अपने बात कर रहे थे तो यहाँ से जब अपने यहाँ तक आ रहे थे तो अपने 10 पार्टों में से बांटा था। पर जो अपने स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज जैसे वर्नियर इसे 10 पार्टों में बांट रहा है, तो स्क्रू गेज इसे कितने पार्टों में बांट देता है? 100 पार्टों में बांट देता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ 2, 1 पढ़ रहे हो, तो यहाँ इसके बाद का भी जो पाठ्यांक है वो अपने किससे ज्ञात कर सकते हैं? स्क्रू गेज से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसी को बता रहा हूँ, ये और ज़्यादा बांट देता है इसे, जैसे 211 पॉइंट के बाद में, तो ऐसे बोल सकते हो 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 इस प्रकार के जो पाठ्यांक है, यानी इन 2 अंकों के बाद के जो पाठ्यांक है वो फिर अपने किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कहीं पर पाठ्यांक हो 1.100, तो ये इस प्रकार से इसे बांटता जाएगा 2, 3, फिर ये लगातार चलता जाएगा, ऐसे करते करते बीच में ये भी आएगा, जब अपने आगे पहुंचेंगे 1.1, 2, 2, 1.2, 3 सिर्फ समझाने के लिए बीच की संख्या लिख रहा हूँ मैं, और ऐसे करते करते अपने लास्ट में अपने कहाँ पहुँच जाएंगे? अपने यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये 0 से शुरू होकर के कहाँ तक पहुँच जाती है? 100 तक पहुँच जाती है। ये इसका जो बीच का पार्ट है, जैसे ये 10 पार्टों में डिवाइड कर रहा था वर्नियर, स्क्रू गेज कितने पार्टों में डिवाइड कर देता है? 100 पार्टों में डिवाइड कर देता है। यानी यहाँ तो पॉइंट के बाद में 1 अंक तो अपने सामान्य से मिल रहा था, 2 अंक तक अपने बात कर रहे थे तो किससे मिल रहा था अपने को? जो अपने वर्नियर था, तो वर्नियर से ये रीडिंग मिल रही थी आपको, और स्क्रू गेज से आपको ये वाली जो रीडिंग है किससे मिलती है? स्क्रू गेज से मिलती है। यानी पॉइंट के बाद में ये देखो इतने अंक जो है वो अपने को स्क्रू गेज की सहायता से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये काम होता है स्क्रू गेज का, सामान्य स्केल
सीधा बता रहा है जैसे 1.2 और इसके बाद में सीधा क्या है 1.3, और वर्नियर क्या करेगा 1.2 से 1.3 के भागों को 10 भागों में बांट देगा, और स्क्रू गेज क्या करेगा 1.2 से 1.3 के बीच के भागों को 100 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये अपने होता है स्क्रू गेज। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, जैसे देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप देख सकते हो। ये वाला जो डायग्राम है वो स्क्रू गेज का बनता है, ठीक है। यहाँ पर इसको घुमाने के लिए प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ होता है, जिससे अपने इसे क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसको पकड़ करके अपने ये जो वर्ताकार स्केल है इसको घुमा सकते हैं। और ये 0 फिर 10 फिर आगे 20 30 40 50 ऐसे घूम करके जब ये यहाँ पहुँचेगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये जो लाइन है इस पर इसका मेन स्केल लिखा हुआ होता है इस प्रकार से, और ये आगे से आगे जो है पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। और यहाँ अगर अपनी बात करें तो इस प्रकार से स्क्रू लगा रहता है इसके, ये एक स्क्रू लगा रहता है और इसके सामने भी एक स्क्रू लगा रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं इसके, जैसे अपने पेच होते हैं उसी प्रकार के ये पेच लगे रहते हैं। और नाम लिखें तो ए बी, ये फिर सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। इस प्रकार से होता है, और बस इतना ही इसका डायग्राम होता है। देखो इसकी सहायता से अपने पाठ्यांक कैसे नोट किया जाता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ये देखो जैसे ये मार्कर है, ठीक है, जैसे ये मार्कर है ये अपना क्या हो, मेन स्केल हो। जैसे इस मार्कर पर क्या लिखा गया हो, मेन स्केल लिखा गया हो, जैसे ये लिखा गया है, ठीक है। और इसके ऊपर अपने ये जो स्केल है वर्ताकार स्केल, जैसे ये ढक्कन है मार्कर का, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर क्या होता है, ये वर्ताकार स्केल होता है। जैसे ये घूम सकता है, जैसे ये घूमता है उसी प्रकार से अपने ये जो बना रखा है इसको जब आप लोग घुमाओगे तो ये जो जगह है यहाँ से ये क्या करेगा, इस मेन स्केल के ऊपर घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ये आपका मेन स्केल लिखा हुआ है इस पर, और ये जो है आपका कौन सा स्केल है, ये आपका वर्ताकार स्केल है, और आप इसे इसके ऊपर क्या कर सकते हो, आराम से घुमा सकते हो। जैसे आप पेज को घुमाते हो, जैसे ये यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे जैसे पेज को घुमाओगे या तो ये आगे जाएगा और उल्टा घुमाओगे तो ये पीछे की ओर गति करेगा। तो जैसे जैसे ये स्केल इसके ऊपर आता जाएगा, वर्ताकार स्केल इसके ऊपर आएगा, जो चूड़ियाँ हैं वो इसके ऊपर चढ़ती जाएगी और ये आगे खिसकता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे खिसकेगा तो जो मेन स्केल पर पाठ्यांक लिखे गए हैं, जैसे ये पाठ्यांक लिखे गए हैं और ये जो इसका हिस्सा है, अगर ये आगे की ओर बढ़ता है तो आपको पता है आपको ये नंबर दिखने जो है वो थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कुछ एक पार्ट को ये क्या कर लेगा, ढक लेगा। और यदि आप इसे क्या करते हो, इस डायरेक्शन में लेकर के जाते हो, तो इस साइड के जो नंबर है वो आपको उनकी संख्या जो क्या है ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। देखो अपने क्या करते हैं, जिसका भी अपने को पाठ्यांक नोट करना होता है उसको अपने इन स्क्रू के बीच में रख देते हैं। जैसे इसको मैंने कहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया, और जब अपने इसे घुमाएंगे तो ये जो अपने पेच लगा हुआ है ये क्या होगा, आगे की ओर खिसकेगा। ये पेच जो किस ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, और इन दोनों के बीच में ये जो है अपनी ये आकृति जो है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये पूरे तरीके से यहाँ पर टाइट हो जाएगा तब अपने ये जो स्केल है इससे अपने क्या करेंगे, पाठ्यांक को नोट करेंगे। देखो जैसे मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये 2.2 के आसपास जो है पाठ्यांक इसका लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये पाठ्यांक कितना है, 2.2 के आसपास है। अभी तो ये कितने पर है, अभी तो ये 0 पर है, पर जब आप इस वर्ताकार स्केल को घुमाओगे, जैसे यहाँ इसके सामने 0 लिखा हुआ है, फिर इसके 10 लिखा होगा, 20 30 40 50, और ऐसे करते करते इस साइड कितना आ जाएगा, 90, और फिर 10 की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे वर्ताकार पथ में घुमाना है। जो लाइन ये जो स्केल है इसकी जो भी लाइन इसके बिल्कुल सामने आ रही है, यानी ये जो पॉइंट है
इसके बिल्कुल सामने आएगी, ये सीधी लाइन होगी, जो भी लाइन इसके बिल्कुल सामने आएगी वो इसका क्या होगी, पठ्यांक होगी। यहाँ जीरो से लेकर के 100 तक लाइनें बनी हुई है। जैसे मान लिया कि ये जो अपने वृत्ताकार स्केल है ये इस लाइन पर मिल रहा है, और ये जो लाइन इसकी मिल रही है ये मान लो कहाँ मिल रही है, 70 पर मिल रही है। तो आपको ये 70 क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसकी सहायता से पठ्यांक जो है वो बता सकते हो, ठीक है। यानी जो बीच के पठ्यांक है उसको भी ये क्या कर रहा है, 100 पार्ट में तोड़ रहा है। तो इस प्रकार से अपने क्या किया जाता है, स्क्रू गेज की सहायता से जो पठ्यांक है वो नोट किए जाते हैं। एक दो टर्म इसके अंदर और आती है, एक आता है चूड़ी अंतराल, बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म आती है चूड़ी अंतराल, ठीक है, टर्म का नाम अपने चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल का क्या मतलब होता है, चूड़ी अंतराल का मतलब होता है कि जो पेच है, पेच को जब अपने घुमाएंगे तो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के मध्य जो दूरी है, पेच के ऊपर जो चूड़ियाँ कटी हुई होती है उनके ऊपर जब आप पेच को घुमाओगे तो एक चूड़ी के बाद में दूसरी चूड़ी तक पहुँचने में वो जितनी दूरी तय करता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, उसी को अपने चूड़ी अंतराल बोलते हैं, ठीक है। यानी दो चूड़ियों के मध्य जो दूरी तय की जाती है, दो क्रमागत चूड़ियों के मध्य तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल कहलाती है, ठीक है। और अगर इस स्केल की बात की जाए तो इसका चूड़ी अंतराल जो है वो 0.1 होता है, ठीक है। और अब अपने बात कर लेते हैं अल्पतमांक की, कि अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है इसका। तो इसका अल्पतमांक जब अपने ज्ञात करते हैं, अल्पतमांक, तो अल्पतमांक के लिए अपने सूत्र लिखते हैं, चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार पैमाने पर, वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या, चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल जो इसका होता है वो कितना होता है, 0.1 होता है। यानी जो अपने मेन स्केल होता है उसकी जो न्यूनतम जो दूरी है वो कितनी है, 0.1 है जो वो माप सकता है। और वृत्ताकार पैमाने पर कितने भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं। और यहाँ से जब आप लोग इसका चूड़ी अंतराल निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.001। जो मेन स्केल का पठ्यांक आता है उस पठ्यांक में आप लोग इसे क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, ठीक है। उससे आपके पास में जो पठ्यांक है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी हो, जैसे यहाँ कितना आया था, 70 आया था, तो यहाँ पर आपको 1 की जगह क्या लिख देना है, 70 लिख देना है। तो ये 0 जो है इसकी जगह 7 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो 70 आ गया, और 2.2 पहले से ही पठ्यांक था तो 2.2, और आगे ये कितना आ गया, इसके 7 0 यानी 70 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या किया जाता है, इसका पठ्यांक लिखा जाता है। यानी मेनली आपको क्या करना होता है, मेनली आप लोगों को जो मेन स्केल का पठ्यांक है उसमें जो आपका वर्नियर स्केल है, जो वृत्ताकार स्केल है, उसका पठ्यांक जोड़ना होता है। पर आपको पॉइंट का वहाँ क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसका अल्पतमांक जब आप लोग ज्ञात करोगे तो अल्पतमांक का क्या सूत्र होगा, चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। ये अपने बात थी आज की स्क्रू गेज की। तो अपने जो दोनों उपकरण हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए, एक का नाम था वर्नियर स्केल और दूसरे का नाम था स्क्रू गेज। एग्जाम में आप लोगों से इनका डायग्राम वगैरह तो बहुत कम पूछते हैं, या तो आप लोगों से चूड़ी अंतराल पूछ सकता है, या फिर आप लोगों को इनके अल्पतमांक का सूत्र या अल्पतमांक पूछा जा सकता है कि वर्नियर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, स्क्रू गेज जो होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है। तो अल्पतमांक आप लोग जरूर याद कर लेना इनके। अब अपने आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का एक नया हिस्सा शुरू करते हैं जो है अपना त्रुटियाँ। अब देखो अपना टॉपिक है मापन में शुद्धता तथा त्रुटियाँ, ये अपना टॉपिक है मापन में शुद्धता तथा त्रुटियाँ। इसके अंदर देखो मापन में शुद्धता ये तो अपनी बस सीधी बात करेंगे, बाकी अपने मुख्य रूप से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, त्रुटियाँ। अपने पता लगाएंगे कि त्रुटि के कारण कौन कौन से हैं और उन कारणों को अपने दूर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं त्रुटियों की। देखो त्रुटियाँ क्यों आती है, सबसे पहले तो अपने इसी की बात करते हैं, त्रुटि क्यों आती है। देखो त्रुटि आने के बहुत सारे कारण होते हैं, त्रुटि सामान्य तरीके से भी आ सकती है। सामान्य तरीके से कैसे, जैसे आप लोग कोई दूरी जो है उसका मापन करो, अगर आप काफ़ी छोटी दूरियों का मापन करते हो
तो एक बार मापन करने के बाद जब आप लोग उसका दोबारा मापन करते हो, जैसे आपने किसी दूरी को नापा और वो कितनी आ रही थी, 1.32 एक सेंटीमीटर आ रही थी, ठीक है, दूरी काफ़ी छोटी है, ये देखो पॉइंट के बाद में काफ़ी ज़्यादा छोटी दूरियों को अपने लिए, 1.231 किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, ये थ्रू, ये अपने पास में एक पाठ्यांक है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, इसी पाठ्यांक की पुनरावृत्ति की, यानी आप लोग जहाँ ये लंबाई ज्ञात कर रहे थे उसी पॉइंट पर आपने क्या किया, लंबाई को फिर से ज्ञात किया और आपने देखा कि ये जो अपने पास में लंबाई आ रही थी ये कितनी आ गई, 1.232 आ गई। आपने फिर से नापा ये कितनी आ गई, 1.33 आ गई। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा है, हो सकता है ये कम भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि इतना कम आए, ये और भी कम आ सकती है, ठीक है। तो रेंडमली कोई भी पाठ्यांक जो आपको फिर से जब आप लोग गणना करते हो तो वो पाठ्यांक आपको मिल सकते हैं। तो ये वजह होती है त्रुटियां आने की। तो ज़रूरी नहीं है कि त्रुटि अपने किसी बड़े कारण की वजह से है, सामान्य जब हम लोग पाठ्यांक ज्ञात करते हैं तो उसमें भी क्या आ जाती है, त्रुटियाँ आ जाती है। जैसे आप लोगों ने, आपको बोला जाता है कि अपनी कॉपी के अंदर 4.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो, आपको क्या बोला गया कि अपने स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो। आपने क्या किया, स्केल की सहायता से एक रेखा खींच दी जिसकी लंबाई कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो आपने क्या किया, जैसे ये स्केल है, आपने इसे यहाँ रखा आपके बिल्कुल सामने और आपने क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। जब आपको दोबारा बोला गया तो आपने क्या किया, इसे ऐसे रखा और आपने फिर से ये लाइन खींच दी। हो सकता है आपने इसे ऐसे रखने के बाद में आपने इस साइड नहीं देखा हो और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही लेकर के गए हो, पूरा आगे तक नहीं लेकर के गए हो। हो सकता है आप यहाँ से शुरू करो और इसे थोड़ा ज़्यादा आगे की ओर ले जाओ, तो आपने दोबारा जब उसी लाइन को खींचा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कितना सेंटीमीटर की हो, 4.4 सेंटीमीटर की हो। हो सकता है आप लोग उसे क्या कर दो, 4.01, 02, 03, यानी आप लोग गलत पाठ्यांक जो है वो उसका नोट कर लेते हो, तो उसमें अपने मापन में क्या आ जाती है, त्रुटियाँ आ जाती है। ये मापन में माप करके बताया, इसी प्रकार तोलते समय अपने क्या कर सकते हैं, त्रुटियां कर सकते हैं। अब तो अपने ऐसे उपकरण आ गए जिनकी सुग्रहिता क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, पर पुराने समय के उपकरण की यदि अपने बात करें, जैसे पुराने समय की जो तुल्ला वगैरह आती थी उससे जो अपने वज़न नोट करते थे तो हर बार जो अपने वज़न नोट करते थे वो अलग आता था। जैसे 4.3 kg है, आपने फिर से उसे तोला तो वो कुछ और पाठ्यांक दे रहा है, या हो सकता है वो कुछ और पाठ्यांक दे रहा हो। तो जैसे जैसे अपने एक ही मापन का क्या करते हैं, दोहरान करते हैं, तो मापन का दौरान करते समय मापन में क्या आ जाती है, त्रुटियां आ जाती है, यानी पाठ्यांक जो वो क्या आ जाते हैं, अलग आ जाते हैं, और उन्हीं अलग पाठ्यांकों को अपने क्या बोला जाता है, त्रुटियां बोला जाता है। तो ये तो अपने सामान्य था जो हम लोग गलती कर रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारी कारण हैं जिनकी वजह से मापन में त्रुटियाँ आ जाती है। जैसे हो सकता है अपना उपकरण वगैरह ख़राब हो, या सामान्य जो वातावरण की कंडीशंस है उसकी वजह से भी मापन में क्या आ सकती है, त्रुटियाँ आ सकती है। तो अब अपने पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक त्रुटियाँ, और बात करेंगे अपने त्रुटियाँ जो उन्हें दूर कैसे की जाती है, यानी मापन में शुद्धता को कैसे लाया जाता है। तो अब अपना जो टॉपिक है वो है त्रुटियाँ। अपना जो टॉपिक है वो है त्रुटियां। देखो त्रुटि को यदि परिभाषित करने के लिए बोला जाए तो आप लोग बोलोगे किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अंतर को अपने क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। यानी आपके पास में कोई एक भौतिक राशि है, आप लोगों को क्या करना है, उसे मापना है, उसका जो वास्तविक मान था और आप लोगों ने जो माप माना है उन दोनों का जो आपको अंतर प्राप्त होगा उस अंतर को अपने क्या कहते हैं, उस अंतर को अपने त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि की परिभाषा क्या होगी, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को अपने क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान अपने को कैसे प्राप्त होगा। जैसे आपके पास में कोई भी पदार्थ है जिसको आपको क्या करना है, तोलना है। जैसे कोई वज़न आपको तोलना है तो आपने क्या किया, किसी वज़न को
तोल लिया। कोई पदार्थ है, आपने क्या किया, पदार्थ का वजन कर लिया और ये वजन मान लिया कितना आया, 1.2 एक आया, ठीक है। आपने इसे फिर से तोला, आपके पास में कितना आया, 1.23 आया। अब आप लोग जैसे जैसे ये मान प्राप्त करते जा रहे हो, मान जो है वो सारे क्या आते जा रहे हैं, अलग आते जा रहे हैं। अब आपको थोड़ी ना पता है कि इसका वास्तविक मान कौन सा है, ठीक है। अपने जब भी किसी पदार्थ का मापन करते हैं तो अपने जो भी मान उसका प्राप्त होता है वो कौन सा मान होता है, वो अपने मापित मान होता है, यानी अपने पास में ये वो मान होता है जिसका हम लोग मापन करके इसे प्राप्त कर रहे हैं। अपने को नहीं पता होता कि उस पदार्थ का वास्तविक मान जो है वो क्या होता है। तो वास्तविक मान जब भी अपने को ज्ञात करना हो तो अपने इन प्रेक्षणों का क्या करते हैं, इन प्रेक्षणों का अपने क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं। प्रेक्षणों का अपने क्या कर लेते हैं, औसत मान प्राप्त कर लेते हैं। ये जो औसत मान है, ये औसत मान ही अपने क्या कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। यानी आप लोगों को क्या करना है, किसी भी पदार्थ का जब आप लोगों को मापन करना है उसका यदि आप लोगों को वास्तविक मान चाहिए तो वास्तविक मान के लिए आप लोगों को क्या करना है, जितने आपके पास में प्रेक्षण आए उन सभी प्रेक्षणों का आप लोग क्या निकाल लोगे, औसत निकाल लोगे, और वो जो आप लोगों ने औसत प्राप्त किया है वही उस भौतिक राशि का क्या होगा, वास्तविक मान होगा। अब जब आप लोगों को त्रुटियां ज्ञात करनी होगी तो आप लोग क्या करते जाओगे, इस वास्तविक मान से जो आपका मापित मान है इसे घटाते जाओगे और आपके पास में जो रिजल्ट आते जाएंगे वो सारे के सारे क्या प्राप्त होते जाएंगे, वो सारी के सारी आपके पास में त्रुटियां आती जाएगी, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है त्रुटियां। अगर अपने बात करें त्रुटियों के प्रकार की, अगर अपने त्रुटियों के प्रकार की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ त्रुटियों के प्रकार, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की त्रुटियाँ होती है। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियाँ लिख देता हूँ। एक होती है यादृच्छिक त्रुटियाँ और एक आपके पास में होती है स्थूल त्रुटियाँ, स्थूल त्रुटियाँ। तो आपके पास में तीन प्रकार की त्रुटियाँ होती है। पहली जो त्रुटि है वो क्रमबद्ध त्रुटि है, दूसरी यादृच्छिक त्रुटि है और तीसरी जो आपके पास में त्रुटि है वो कौन सी है, स्थूल त्रुटि है। अपने एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि की, कि अपने पास में जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है वो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया, त्रुटि का मतलब क्या होता है, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को अपने क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। देखो अपने बात कर रहे हैं त्रुटियों की, और सबसे पहली जो अपने पास में त्रुटि है वो कौन सी त्रुटि है, वो अपने पास में त्रुटि है क्रमबद्ध त्रुटि, ये क्रमबद्ध त्रुटियाँ, ये वो त्रुटियाँ हैं जो क्रमबद्ध नियमों के द्वारा निर्धारित होती है, क्रमबद्ध नियमों के द्वारा निर्धारित होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है तो आप लोग क्या बताओगे, वे त्रुटियां जो क्रमबद्ध नियमों के द्वारा निर्धारित होती है क्या कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। यदि अपने इन नियमों का पता चल जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो त्रुटियां जो क्रमबद्ध नियमों के द्वारा निर्धारित होती है क्या कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। और यदि अपने नियमों का पता लगा ले तो इन त्रुटियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। कुछ एक इसके प्रकार होते हैं, जैसे अपने बात कर लेते हैं उपकरणों के कारण त्रुटि, एक अपने इसी में आती है तकनीक में अपूर्णता के कारण त्रुटि, इसी में आप लोग बोल सकते हो व्यक्तिगत त्रुटियां भी होती है, आप चाहो तो अलग से लिख दो या इसी में आप लोग लिख सकते हो, या आप लोग बात कर सकते हो पूर्णता की त्रुटियां,
या आप लोग बात कर सकते हो बाह्य कारकों के कारण, उत्पन्न त्रुटियां, ठीक है। तो उपकरण के कारण, तकनीक में अपूर्णता के कारण, पूर्णता के कारण और बाह्य कारणों के कारण उत्पन्न त्रुटियां। इसे में आप लोग चाहो तो व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी त्रुटियां लिख सकते हो, पर उनमें वजह वही सारी आ जाएगी जो आप लोग ऊपर लिख दोगे। लिख देता हूं मैं, व्यक्तिगत कारणों के कारण उत्पन्न त्रुटियां। देखो मेनली आप लोगों को ये याद रखनी है, क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां और स्थूल त्रुटियां। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि त्रुटियों का वर्गीकरण कीजिए, इन तीन त्रुटियों के नाम लिखने और इनके बारे में आपको बताना है, अगर इनमें से आपको कोई याद है तो आप क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर लिख करके बढ़िया तरीके से इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर उपकरण के कारण उत्पन्न त्रुटियां। देखो उपकरण के कारण भी त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक तो होती है शून्यांक त्रुटि, एक होती है अंशांकन के कारण त्रुटियां। ये दोनों ही जो त्रुटियां हैं किसकी वजह से होती है, ये दोनों ही त्रुटियां अपने उपकरणों के कारण होती है। एक तो त्रुटि है शून्यांक त्रुटि और एक है अंशांकन के कारण उत्पन्न त्रुटियां। देखो शून्यांक त्रुटि कौन सी होती है, अगर अपने शून्यांक त्रुटि की बात की जाए तो शून्यांक त्रुटि का मतलब होता है कि कुछ जो अपने पास में उपकरण होते हैं उनका जो शून्य होता है, जैसे अपने पठ्यांक लिखते हैं शून्य एक दो तीन, जैसे अपने पठ्यांक लिखे हैं उन्हीं पठ्यांक की जो शून्य होता है उसकी बात कर रहा है, तो उनका शून्य जो है वो अपनी सही जगह ना होकर के क्या हो, थोड़ा आगे पीछे हो। यानी आप लोग कोई वजन तोलते हो, जैसे आप लोग वर्तमान में देखते हो आपके पास में जो डिजिटल तुलना जो आपके पास में होती है, तो आप लोग सबसे पहले वहाँ क्या देखते हो, सबसे पहले आप लोग वहाँ शून्य चेक करते हो। जैसे आप लोग पेट्रोल पंप वगैरह पर जाते हो तो वहाँ सबसे पहला अपना काम होता है शून्य चेक करना। कुछ एक उपकरणों के अंदर कौन सी त्रुटियाँ होती है, शून्यांकी त्रुटि होती है। ये जो शून्यांक हमने लिख रखा है इसी को बोला जाता है शून्यांकी त्रुटियाँ। कुछ एक उपकरणों में क्या होती है, शून्यांकी त्रुटियाँ होती है, यानी इनका शून्य जो है वो बिल्कुल सही जगह न हो करके किसी और जगह, जैसे यहाँ हो 0.03 पर हो, 0.4 पर हो, 5 पर हो, 50 पर हो, ऐसी जगह हो, ठीक है। बस जो त्रुटियों की जब बात की जाए तो सूक्ष्म की बात करनी है, ऐसा नहीं होता है कि 1 किलो वजन को कोई 2 किलो तोल रहा है, जैसे 1 kg वजन है और आप बोल दो कि 2 kg तोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अपने फिजिक्स की बात करें और छोटी कैलकुलेशन की बात कर रही है, ये तो फिर त्रुटियाँ क्या है, उपकरण ही खराब है, कोई काम में नहीं लेगा इसे। तो अपने शून्यांकी त्रुटियों की बात कर रहे हैं, तो अपना जो ये पठ्यांक है 0 ना करके क्या है 0.1, 0.2, 0.3, यदि इस प्रकार के पठ्यांक अपने को प्राप्त होते हैं, 5 तक मान सकते हो, 5 तक के यदि इस प्रकार के आपको पठ्यांक प्राप्त हो रहे हैं तो वो कौन सी त्रुटि है, उनकी शून्यांकी त्रुटि है। यानी उपकरण का शून्य जो है बिल्कुल सही जगह ना होकर के क्या हो, थोड़ा आगे पीछे हो। एक होता है अंशांकन के कारण उत्पन्न त्रुटियां। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अंशांकन का क्या मतलब होता है। अंशांकन का मतलब होता है जैसे आप लोग कोई स्केल देखते हो, स्केल क्या है, ये मानो आपके पास में घड़ी है, ठीक है, आपके पास में क्या है, एक घड़ी है और घड़ी के अंदर आपको पता है इस प्रकार से 3 सुई होती है और ये सुई क्या करती है, लगातार गति करती है। अभी जो आपको सामने घड़ी दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर संख्याएँ नहीं है, ठीक है। यानी आपने इसके अंदर क्या नहीं लिखा है, संख्याओं को नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपने इसका क्या नहीं किया, अब तक अंशांकन नहीं किया। जब आप लोगों ने यहाँ संख्याएं लिख दी, जब आप लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, संख्याएं लिख दी, तो अब आप लोगों ने इसका क्या कर दिया है, अंशांकन कर दिया। तो अंशांकन का मतलब हो गया जो अंश है उनका अंकन करना, यानी जो अंश है उनका अंकन करना, ये जो अंश लिखा है अंशों का अंकन करना, यानी जो उसके पार्ट है उन सबको बांटना कि कौन कौन सा पार्ट जो है इसके अंदर कितने पठ्यांक का होगा, यानी घड़ी में 3 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, सुई कहाँ आएगी तब 3 बजेंगे, कहाँ पर सुई होगी तब 6 बजेंगे। जो अपने पठ्यांक लिखते हैं उसी को अपने क्या बोलते हैं, अंशांकन बोलते हैं। जैसे कुछ एक तापमापी होती है, कुछ एक तापमापी होती है, जैसे ये मान लो तापमापी है और आपने क्या कर दिया, अंशांकन गलत कर दिया, जैसे उसका पारा पहुँचा कहाँ पर, इस जगह मान लेता हूँ कि उसका पारा कहाँ पहुँच चुका है, उसका पारा पहुँच चुका है 95 पर, रियल में उसका पारा कहाँ पहुँच चुका है, 95 पर पहुँच चुका है, यानी वास्तविक पठ्यांक इसका कितना आना था, 95 आना था,
बिल्कुल सही जो पठ्यांक है, टेम्परेचर कितना नाप रहा है ये 95 नाप रहा है। पर जब इसका अंशांकन किया जा रहा था, यानी जब इसके ऊपर संख्याएं लिखी जा रही थी, वो संख्याएं जिनको देख करके आप बताते हो कि ये इतना डिग्री टेम्परेचर है, तो इस पर संख्या लिखते समय हो सकता है यहाँ पर क्या लिख दिया गया हो, 90 लिख दिया गया हो सकता है, या 100 लिख दिया गया हो, या 94, 97, इनमें से कोई और संख्या लिख दी गई हो। तो ये तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बता रही है कि 95 है, पर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है इस पर संख्या लिखते समय इसका गलत किया गया अंशांकन, यानी इसका क्या कर गलत कर दिया गया था, अंशांकन गलत कर दिया।